मेरा राधे राधे। कल मैंने जो लेक्चर पढ़ाया था जिसमें आपको मैंने बताया था कि किस तरह से दशमलव संख्याओं को परिमेय संख्या में बदला जाता है, वो आखिरी लेक्चर था मेरा परिमेय संख्या का, यानी वो परिमेय संख्या का लास्ट टॉपिक था जो कल हमने आपको बताया था। तो अगर वो न समझ में आया होगा तो ज़रूर पूछिएगा। कुछ बच्चों ने मुझसे कहा था कि लेक्चर 9 में दो परिमेय संख्याओं के बीच परिमेय संख्या ज्ञात करना ये उनके समझ में नहीं आया है। चलिए हम एक नए सिरे से उसको फिर से बता देते हैं। पिछली बार हमने दो तरीका बताया था, इस बार हम केवल एक तरीके से ही आपको ये सॉल्व करके बताएंगे। तो चलिए, हमने बताया था उस दिन आपको कि यदि x और y दो परिमेय संख्या हैं तो उनके बीच असीमित परिमेय संख्याएं हो सकती हैं। दो परिमेय संख्या, यदि x और y दो परिमेय संख्या हैं तो उनके बीच असीमित परिमेय संख्याएं हो सकती हैं। अब असीमित परिमेय संख्या आपको ज्ञात करनी है तो कैसे ज्ञात करेंगे? तो उसके लिए आपको हम सवाल करके बता रहे हैं। जैसे मान लीजिए, एग्जाम्पल देखिए, 1/3 और 1/2 के बीच 4 या 5 कुछ भी 4 परिमेय संख्या ज्ञात करो। हमने दो परिमेय संख्या ली है 1/3 और 1/2। यहाँ पर हम 1/3 को x मान लेते हैं, x बराबर 1/3 और y बराबर हम 1/2 मान लेते हैं। ये दो परिमेय संख्या हमने मान ली। अब इसके बीच में हमको 4 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है तो इसके लिए हमने आपको एक सूत्र बताया था कि यदि x और y दो परिमेय संख्या हैं तो उनके बीच संख्याएं होगी। यदि x और y दो परिमेय संख्या हैं तो उनके बीच संख्याएं होंगी, कौन मान लो होंगी q1 q2 q3 q4 q5, इस तरह से मान लीजिए दो परिमेय संख्या, उनके बीच में ये q1 q2 q3 q4 q5 ये परिमेय संख्या है। तो इसको जानेंगे कैसे हम? तो q1 का मान निकलेगा 1/2 x प्लस y, ये q1 का मान इससे निकलेगा। अब q2 का मान कैसे निकलेगा? q2 बराबर q1 प्लस y। q2 का मान निकलेगा, सॉरी 1/2 लगाना भूल गए, 1/2 q1 प्लस y। अगर हमें q3 का मान निकालना है तो 1/2 q2 प्लस y। अगर हमें q4 का मान निकालना है तो 1/2 q3 प्लस y। इस तरह से ये जितनी संख्या चाहेंगे निकल सकती है। तो अब हमारा x की जगह पे ये है, y की जगह पर ये है। अब हम इसी से मान निकालेंगे। पहली संख्या हमारी है q1,
क्यू वन बराबर है 1/2 x + y। अब 1/2 x की जगह पर हम क्या लिखेंगे, x जो है हमारा 1/3 + y क्या है हमारा 1/2। अब इसी को सॉल्व कर लेंगे, 1/2, इन दोनों का एलसीएम 6 आएगा, 3 2 जा 6 2 1 जा 2 प्लस 2 3 जा 6 प्लस 3, तो ये हमारा हो गया 1/2। इन दोनों को जोड़ देंगे 5/6। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे न्यूमरेटर का न्यूमरेटर से, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर से, तो 5/12। ये Q1 हमारा निकला, Q1 निकला 5/12, ये पहली संख्या निकली। अब हमें Q2 का मान निकालना है, तो Q2 बराबर होता है 1/2 Q1 प्लस y, यानी कि जो हमारा Q1 का मान निकला है वो, और उसमें y जोड़ देंगे, तो 1/2 Q1 हमारा क्या निकला है, 5/12। देखिए 5/12 प्लस y क्या है हमारा 1/2, ये है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, 1/2 एलसीएम फिर मेरा 12 हो जाएगा, तो 12 1 जा 1 1 का इसमें मल्टीप्लाई किया 5 + 2 6 जा 12 6 1 जा 6, तो ये हो गया 1/2, और 6 और 5 को जोड़ा तो 11/12। तो Q2 मेरा आ गया, इसका गुणा कर दीजिए, 11 1 = 11 और 12 2 = 24। ये देखिए Q2 का मान निकल आया। अब Q3 का मान निकालना है, Q3 बराबर होता है Q2 1/2 Q2 प्लस y। अब 1/2 Q2 मेरा क्या निकला है 11/24, y क्या है मेरा 1/2, तो ये 1/2 एलसीएम लेंगे 24 आएगा, भाग देंगे 1, ये 11 1 = 11, 2 से भाग देंगे 12 और 12 1 = 12, इसको सॉल्व करेंगे दोनों को जोड़ेंगे तो ये जाएगा 23/24। तो अब इन दोनों का गुणा कर देंगे तो Q3 का मान निकल आएगा 23/48। ये देखिए ये मेरा Q3 का मान निकल आया। अब इसी तरह से Q4 का मान निकाल लेते हैं, Q4 बराबर 1/2 Q3 प्लस y। अब 1/2 Q3 हमारा निकला है 23/48 प्लस 1/2, सॉल्व कर लीजिए, एलसीएम आएगा 48, ये हो गया 24 प्लस इससे भाग देंगे ये 24 हो जाएगा, 24 2 = 48। हाँ, अब दोनों को जोड़ लीजिएगा, ये हो जाएगा 48/48। तो Q4 बराबर हो गया आपका 48 का गुणा, इसमें ये 48 से 48 कट जाएगा, ये हो गया 1/2। तो Q4 का मान निकला 1/2, यानी कि वो संख्या मेरी y ही है, देख लीजिए कहीं गलत ना हुआ। तीन दूनी छः, 2 1 = 2, 2 3 6, 3 2 5, 5 1 = 5/12, 5/12 प्लस ये किया 12 लिया एलसीएम, 5 2 6 12 11/12, 12 2 = 24, 11/24 24 11 48, फिर Q4 लिया 1/2, Q3 लिया ये, तो 1/2 24, यहाँ देखिए गलत लिख दिया था, वही कह रहे कुछ गड़बड़ दिख रहा है, यहाँ 23 था, हमने 24 लिख दिया था, सॉरी।
23, ये 23 होगा बेटा, इसीलिए हम फिर से देख रहे थे, हमको कहीं डाउट हो रहा था। तो ये 4 3 7 सॉरी, तो अब यहाँ से देख लीजिए Q4 बराबर ये हो जाएगा, इसको जोड़ देंगे तो ये 47, फिर से साफ देखिए, Q4 बराबर 1/2 और इसको जोड़ देंगे 47/48, तो दिस इम्प्लाई Q4 बराबर गुणा कर दीजिए 47/96, ये Q4 हो गया। ये देखिए Q4 बराबर 47/96। तो हमने चार संख्याएं कही थी Q1, Q2, Q3, Q4। अब इसको लिखेंगे कैसे, x और y के बीच में लिखेंगे, तो x मेरा क्या है 1/3, इसके बाद Q1 आएगा, Q1 क्या निकला था मेरा 5/12, Q2 क्या निकला है मेरा 11/24, Q3 क्या निकला है 23/48, Q4 क्या निकला है 47/96, और इसके बाद y मेरा क्या है 1/2। तो ये इस तरह से आपको ये निकालना है, इससे चाहे एक संख्या निकाली जाए तो भी आप निकाल लेंगे, और इसी से 4 5 6 जितनी संख्या पूछे वो निकल आएगी। तो केवल यही एक मेथड आप याद रखिए, बस इसी एक मेथड से बीचों बीच की संख्या भी आ जाएगी और जितनी संख्या आप चाहेंगे वो निकल आएगी। बस दो संख्याओं के बीच में आप मान लीजिए Q1, Q2, Q3, Q4 कुछ भी मान सकते हैं, A1, A2 कुछ भी मान सकते हैं, और सूत्र है आपका 1/2 एक्स प्लस वाई, अगर ए भी माना है तो 1/2 ए प्लस बी हो जाएगा। तो अब समझ में आया आपको अच्छे से, चलिए तो ये तो मैंने लेक्चर 9 का आपको बताया। अब जो है थोड़ा सा चैप्टर ख़त्म हो गया है, तो मैं अपने तरफ से कुछ प्रश्नावली के देख रही हूँ, जो कठिन लगेगा वो मैं आपको बता देती हूँ। शांत अशांत तो मैंने अच्छी तरह से आपको बता दिया, शांत कहाँ होता है अशांत कहाँ होता है, फिर भी अगर कोई सवाल ना आए तो आप हमसे पूछ सकते हैं। चलिए उसके पीछे चलते हैं हम, निरपेक्ष मान वाला, निरपेक्ष मान का जो वो है 1H है, 1H है, 1H का दूसरा का कोई एक सवाल देख लीजिए, दूसरे का हम चलिए दूसरा ही सवाल ले लेते हैं, वो वाला बताते हैं। दूसरे का दूसरा है -9/7 +11/3। अब आप कहेंगे इसका क्या, इसमें कुछ लिखा है, सरल करना है। सरल करने का मतलब क्या, जहाँ पर आपका ये चिन्ह बना है इसका मतलब हमें क्या निकालना है, इसका मॉडुलस वैल्यू, निरपेक्ष मान निकालना है। ये चिन्ह ही मॉड का है, मॉडुलस का है, तो इसमें पूछने की ज़रूरत ही नहीं है कि मैम इसमें क्या निकालना है, कुछ लिखा नहीं, तो लिखा सब कुछ है। ये देखिए इसका ये चिन्ह ही बता देता है कि इसका हमें निरपेक्ष मान ज्ञात करना है। अब निरपेक्ष मान ज्ञात करने के लिए चूंकि इस मॉडुलस के अंदर संक्रिया का मतलब एक से अधिक परिमेय संख्या है, उन्हें सॉल्व करने के लिए दिया गया, तो पहले हम सॉल्व उसको मॉडुलस के अंदर ही करेंगे और फिर उसका हम मॉडुलस वैल्यू निकालेंगे। तो इसको सॉल्व करने के लिए सिंपल, जैसे आप सॉल्व करते हैं एलसीएम ले लेंगे, 21 आएगा, 7 3 जा 21, 3 9 जा 27, -27 प्लस 3 7 जा 21, 7 से इसको मल्टीप्लाई किया 77। अब देखिए 77 में से 27 घटा दीजिए
ये आपका हो जाएगा 50, 50 बटे 21। अब ये सॉल्व हो गया है, अब इसका मॉडुलस वैल्यू यानी निरपेक्ष मान हमें निकालना है। इसका निरपेक्ष मान क्या हो जाएगा? 50 बटे 21, क्योंकि किसी भी संख्या, परिमेय संख्या, पूर्णांक कुछ भी हो, उसका निरपेक्ष मान सदैव वही संख्या होती है, लेकिन वो सदैव धनात्मक होती है। तो ये धनात्मक हो गई 50 बटे 21। तो ये हमने दूसरे का पहला सवाल, दूसरा सवाल बताया। अब चलिए एक चौथा सवाल है, तो एक लाइन का, लेकिन हमको पता है आप लोग शायद थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएंगे। 3-7 ये है। अब साफ साफ ये निशान लगा है जो ये बताता है कि इसका निरपेक्ष मान निकालना है। अब निरपेक्ष मान निकालने के लिए, अब आप देख रहे हैं, आप कहेंगे मैडम ये दो दो निशान क्यों लगा? तो सिंपल सा है, इसको आप पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लीजिए। हमने कहा ना, परिमेय संख्याओं के सवाल को हल करने के लिए पहले उसे मानक रूप, स्टैंडर्ड रूप में कन्वर्ट करना पड़ता है। स्टैंडर्ड रूप का मतलब उसका हर सदैव धनात्मक हो और वो अपने सरलतम रूप में हो। तो अब ये तो पता ही है आपको कि इसके हर को धनात्मक बनाने के लिए हम क्या करेंगे, -1 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हो जाएगा माइनस, और इसका गुणा करेंगे -3/7 ये। अब ये वाला छोटा वाला कोष्ठक खोल देते हैं, तो ये हो जाएगा आपका --+3/7। अब इसका निरपेक्ष मान निकाल लेते हैं, वो 3/7 ही होगा। तो इस तरह से इसको हल करना था। तो ये वो सवाल था। अब पांचवा सवाल देख लीजिए इसी का। x = -5/7 और y = 3/4 हो तो का मान क्या होगा? आपको ये बताना है, x की वैल्यू दी है, y की वैल्यू दी है, तो आपको बताना है x * y। तो लिख लेते हैं x * y। x मेरा क्या है, यानी x की जगह पे x की वैल्यू, वो दिया है -5/7 इंटू जगह पे इंटू, और y mod y, y की जगह पर 3/4 ये। अब इसका वैल्यू निकालना है। तो अब आप देख रहे हैं कि मॉडुलस के अंदर एक ही एक परिमेय संख्या है, कोई संक्रिया नहीं दी है, संक्रिया इन दोनों के बीच की दी है। तो अब इसका भी हम निरपेक्ष मान निकाल लेंगे, तो ये हो जाएगा 5/7 इंटू, इसका भी निकालेंगे तो ये हो जाएगा 3/4। अब इन दोनों का सिंपल सा मल्टीप्लाई कर देते हैं, 5 3 = 15 और 7 4 = 28 हो गया, ये इसका मान हो गया। अब एक आठवां सवाल है जो मैं आपको बता दे रही हूँ, एक सवाल इसमें दिया है x = 5/9 और y = 2/3, तो दिखाइए कि, एक हम करेंगे और आप लोग करिएगा, कि पहला सवाल है इसका ये mod x + y = mod x + mod y, ये दिखाना है। तो एक एक पक्ष सॉल्व करते हैं, हमको ये दिखाना है कि इसका मॉड और इसका मॉड दोनों की जो वैल्यू आएगी वो दोनों वैल्यू बराबर होनी चाहिए। तो आप जो है एक साथ नहीं कर पाएंगे, तो एक बार लेफ्ट हैंड साइड करिए, एक बार राइट हैंड साइड करिए। तो हम
पहले इधर वाला पक्ष कर रहे हैं, एक्स और वाई की वैल्यू रख देते हैं, एक्स की जगह पर 5/9 और वाई की जगह पर 2/3। अब इसको सॉल्व करने के लिए एलसीएम लेना पड़ेगा, 9 आएगा, 9 1 जा 9, 1 5 जा 5, प्लस 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, ये हो गया। तो अब इसको दोनों को जोड़ देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 11/9। अब ये सॉल्व हो गया, अब इसका निरपेक्ष मान निकाल लीजिए, क्या हो जाएगा ये 11/9, ये तो निकल आया। अब इधर की तरफ सॉल्व कर लेते हैं, एक्स की जगह पर 5/9 मॉड प्लस वाई की जगह पर 2/3। अब चूंकि इसमें मॉड में एक ही एक संख्या है, इसलिए दोनों का अलग अलग निरपेक्ष मान निकाल के दोनों को जोड़ देंगे। इसका निरपेक्ष मान हो जाएगा 5/9, इसका हो जाएगा 2/3। अब एलसीएम ले लीजिए, 9, तो 9 1 9, 1 5 5, प्लस 3 3 9, 3 2 6, कितना हो गया ये 11/9। देखिए दोनों बराबर हो गए कि नहीं, अब हम बराबर का निशान लगा देते हैं, यानी मॉड एक्स प्लस वाई बराबर मॉड एक्स प्लस मॉड वाई। तो इस तरह से ये मॉड का सवाल हमने आपको बताया था, हमने प्रश्नावली पे काफ़ी सवाल लगा दिए हैं, कुछ ही बचे हैं जो आप लगा सकते हैं इजीली, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। एक है 1g पर आइए, 1g पर देखिए एक सवाल है, छठा वाला, -4/9 को किस संख्या से गुणा करें कि गुणनफल -1 हो जाए। ये 1g का छठा प्रश्न है, -4/9 को किस संख्या से गुणा करें कि गुणनफल -1 हो जाए। तो आप इसको दो तरीके से लगा सकते हैं, चाहे तो जैसे हमने इसके पहले बताया था कि दो संख्याओं का जो गुणनफल दिया है, अगर उसमें से एक संख्या दी है तो दूसरी संख्या के लिए गुणनफल में पहली संख्या से भाग दे दिया जाता है। तो अब ये गुणनफल है और ये एक संख्या है, तो दूसरी संख्या कैसे ज्ञात होगी, किस संख्या, किस संख्या का मतलब दूसरी संख्या, वो कौन सी दूसरी संख्या है। तो वो दूसरी संख्या निकालने के लिए हम क्या करेंगे, गुणनफल में हम डिवाइड कर देंगे पहली संख्या से। तो गुणनफल मेरा क्या है, -1 डिवाइडेड बाय पहली संख्या क्या है, -4/9। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, हमने आपको पहले भी बताया कि डिवाइड करते समय डिवाइड की जगह पर मल्टीप्लाई, और डिवाइड के जस्ट बाद की जो परिमेय संख्या है उसको रिवर्स कर देते हैं, ये हो जाएगा 9/-4। अब इसको आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, न्यूमरेटर का इसको ना समझ में आए अपने से आप हर में एक लिख लीजिए, न्यूमरेटर का न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर में -9/-4। अब इसको स्टैंडर्ड रूप में लाने के लिए -1 से गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 9/4। तो ये था आपका वो वाला सवाल कि 9/4 से हम गुणा कर दें तो -1 गुणनफल हो जाएगा। अब इसी तरह से और भी सवाल जो है वो आप खुद लगाइएगा। चलिए इसी का, इसी प्रश्नावली का दूसरा सवाल, मतलब जो कथन है वो सत्य है या असत्य है, कथन सत्य है या असत्य,
हम एक सवाल बताएंगे, आपको उसी आधार पे सब करना है। जैसे इसमें हम ले लेते हैं सेकंड वाला प्रश्न, 8/-9 डिवाइडेड बाय -4/3 इज इक्वल टू -4/3 डिवाइडेड बाय 8/-9। इसका मतलब है कि क्या इसको सॉल्व करें और इसको सॉल्व करें तो दोनों का जो भागफल आएगा क्या वो बराबर होगा। इसका सत्य या असत्य का मतलब ये हुआ कि अगर बराबर हो जाए तो सत्य है, बराबर नहीं हो तो असत्य नहीं होगा, तो यानी असत्य। अब ये पता करने के लिए इसे हमें सॉल्व करना पड़ेगा दोनों पक्षों को। तो अब हम इधर वाला पक्ष पहले सॉल्व कर लेते हैं। ये है 8/-9। हम कहते हैं सिंपल सा, पहले स्टैंडर्ड रूप में इसको चेंज कर लीजिए, ना आपको दिक्कत ना समझने में दिक्कत। और ये -4/3 ऑलरेडी है, तो अब ये हो गया -8/9 डिवाइडेड बाय -4/3। अब दोनों को डिवाइड करना है, तो डिवाइड करने का तरीका है कि डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई और उसके बाद वाले रेशनल नंबर को हम जस्ट क्या कर देते हैं, रिवर्स कर देते हैं। अब कुछ कट रहा है तो काट देते हैं, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8। अब क्या क्या बचा मेरे पास, ये 2 और 1, यानी 2 1 जा 2 माइनस, और नीचे भी 3 1 जा 3 माइनस 3। अब इसमें फिर से आप -1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये हो जाएगा 2/3। तो ये RHS मेरा, ये LHS कितना आया, 2/3। अब देखते हैं RHS सॉल्व करके कि ये इसके बराबर है या नहीं। तो अब इधर चलते हैं, -4/3 डिवाइडेड बाय, अब इसको भी हम पहले स्टैंडर्ड रूप में चेंज कर लेते हैं। तो -4/3 डिवाइडेड बाय ये हो गया -8/9। अब उसी तरह से -4/3 डिवाइडेड, ये वाला पलट जाएगा, 9/-8, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8। अब इसको ऊपर आ जाएगा -3, नीचे आ जाएगा -2। अब इसको हम स्टैंडर्ड रूप में बदल लेते हैं तो ये हो जाएगा 3/2। क्या दोनों पक्ष बराबर आए, देख रहे हैं आप, इधर 2/3 आया है, ये 2/3 है, 3/2 है, तो ये बराबर नहीं है। आप लास्ट में बराबर या बराबर नहीं कहे का निशान लगाएंगे, तो ये कथन क्या हो गया, असत्य हो गया। उस हिसाब से ये क्या हो गया, असत्य, यानी ये सत्य नहीं है। तो एक सवाल मुझे ये लगा, मैंने ये आपको बता दिया। अब बेटा आप लोग जो पूछना चाहें क्वेश्चन को पेपर पे लिख करके व्हाट्सएप कर दीजिए, तो मैं एक दिन में उसको बता करके ये चैप्टर खत्म कर दूँ। और अब मैं अगला चैप्टर आपको वर्ग और वर्गमूल पढ़ाऊंगी। तो आज का अगर आपको प्रॉब्लम सब समझ में आ गया हो तो कर लीजिएगा, पूरी प्रश्नावली अब खत्म कर लीजिएगा, और जो नहीं आया है वो आप हमसे फिर से पूछ लीजिएगा। तो आज के लिए बच्चों, हम आप सभी को मेरा प्यार भरा राधे राधे। और समझ में आए तो आप लोग शेयर जरूर करिए, लाइक का बटन जरूर दबाइए, समझ में आया, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जो हमारा लेक्चर शुरू से नहीं देख पा रहे हैं वो बेटा टेलीग्राम चैनल पर जाकर के मेरे लेक्चर को शुरू से देख लें, क्योंकि वहाँ पर मेरा हर लेक्चर पड़ा हुआ है। तो आज के लिए आप सभी को मेरा राधे राधे, धन्यवाद।